हाय, वेलकम बैक। SDR गाइड में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं नई नई वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल हैंड एंड पावर टूल्स इंस्पेक्शन चेकलिस्ट। तो किस तरह से प्रॉपर तरीके से चेकलिस्ट बनाई जाती है, काफ़ी लोगों को पता नहीं है। जो छोटी मोटी कंपनियों में काम करते हैं उन लोगों को पता नहीं है कि भाई किस तरह से चेकलिस्ट बनाई जाती है। तो ये मेरा वीडियो उन लोगों के लिए है जो नए नए फ्रेश सेफ्टी ऑफिसर बने हुए हैं और जो बनने जा रहे हैं। ओके, तो चलिए सीखते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है एक चेकलिस्ट बनाने में। ओके, इंस्पेक्शन चेकलिस्ट किस तरह से बनाई जाती है। ओके, तो सबसे पहले तो जैसे ऊपर जो मैंने लिख दिया है ABCD कंपनी, यानी ये जस्ट ये आपकी कंपनी का ऊपर नाम आएगा। ओके, फिर प्रोजेक्ट जो भी प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट का नाम, नंबर, जो भी नाम है, जैसे मैंने इधर दे दिया है रॉयल 5501, इस तरह से आपको भी प्रोजेक्ट का जो भी नंबर है वो लिख सकते हैं। नीचे है इलेक्ट्रिकल हैंड एंड पावर टूल, जिस टूल्स का भी इंस्पेक्शन चेकलिस्ट है उसका नाम आएगा। तो मैं आप लोगों को अलग अलग चेकलिस्ट में आप लोगों को आज बताऊँगा। और तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल हैंड एंड पावर टूल्स इंस्पेक्शन चेकलिस्ट। तो इसके पॉइंट की तरफ हम लोग गौर करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या पॉइंट इसके अंदर लिखा जाता है। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम उधर लिख देंगे लोकेशन में। ओके, जो लोकेशन में चल रहा है, जो भी लोकेशन में प्रोजेक्ट है उस लोकेशन का नाम लिख देंगे। ब्रांड, ओके, तो ये टूल्स इंफॉर्मेशन जो ऊपर दिया हुआ है, टूल्स इंफॉर्मेशन है, जैसे नीचे टाइटल दे दिया गया, ब्रांड है, मॉडल है, सीरियल नंबर है, RPM है, ओके, केबल है, सॉकेट है, ओके, ये सब चीज़ें ना इसके अंदर ये पॉइंट लिखना पड़ेगा। टूल्स इंफॉर्मेशन में ये सब आएगा। ओके, फिर उसके एक और है जो टूल कंडीशन, बॉडी केस, डी मेन स्विच, SW लॉक, ओके, डिस्क गार्ड, डिस्क गार्ड हैंडल, और मंथ, और तीसरा पॉइंट है कि मंथली या ना कलर कोडिंग होना चाहिए, और बेयरिंग होल्डर वगैरह किस तरह से मतलब कंडीशन में है। उसके बाद ये सब सारा पॉइंट देने के बाद नीचे आएंगे हम लोग। नीचे जो है ना आप लोगों को देखने मिलेगा एक नोट लिखा हुआ है, डिफेक्टिव टूल्स शैल बी रिमूव फ्रॉम सर्विस एंड शैल बी कीप्ड इन सेपरेट एरिया विथ मार्किंग एज ए डिफेक्टिव डू नॉट यूज़। कोई भी अगर इस चीज़ में, जैसे इलेक्ट्रिकल टूल्स के अंदर अगर कोई भी चीज़ डैमेज निकलती है तो उसको साइड से कम्प्लीटली रिमूव करने का और उसके ऊपर एक स्टिकर लगा देने का, डिफेक्टिव डू नॉट यूज़ करके एक स्टिकर लगा देना है उस इक्विपमेंट में। उसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, जैसे गुड टूल्स है उसका एक टिक मारना है, जो भी इसके ऊपर जो है ना आप लोग इसके ऊपर जाएंगे ना, जैसे कि अभी इधर मैं बता रहा हूँ आपको, ये इस पर टिक मारते रहेंगे। जो अगर सही है, जो भी टूल्स है, ब्रांड, मॉडल, सीरियल नंबर, RPM, ये इसमें सॉकेट, केबल, बॉडी केस, जो भी है ना, ये इस पर टिक मारते रहेंगे। किस तरह का टिक मारेंगे, इसमें जैसे दिया हुआ है गुड टूल्स में कैसा, किस तरह से टिक मारना है, डैमेज टूल में किस तरह से टिक मारना है। उसके बाद इंस्पेक्टेड बाय, यानी अगर आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं, कोई भी सेफ्टी ऑफिसर है उसका नाम, ओके, या इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से कोई है उसका नाम वगैरह, और चेक बाय सिग्नेचर कर देना है उसकी। ठीक है ना, बस यही सिंपल है। और आई होप कि आप लोगों को ये चेकलिस्ट पसंद आई होगी। अब चलते हैं, इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं और नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू वेरी मच।